दिल्ली में एक साल तक किसानों का आंदोलन खूब चला। एक साल तक किसानों का विरोध प्रदर्शन पूरे देश ने देखा। लेकिन क्या देश ने दिल्ली से 1300 किलोमीटर दूर उन 8000 किसानों का दर्द देखा जिनका नेताओं ने सब कुछ लूट लिया? की ना, कुछ कुछ किसानों ने आत्महत्या की, कुछ मरे, अभी भी परेशानी में हम सब लोग कर्जदार हो गए। किसान आंदोलन के नाम पर देश ने सियासत खूब देखी, लेकिन क्या देश ने किसी नेता को इन 8000 किसानों को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाते सुना? जेने की उनकी जो पार्टी है वो पार्टी चलना चाहिए, किसान मर गए तो चलेगा लेकिन पार्टी जिंदा रहना चाहिए। किसानों के नेता राकेश टिकैत से शिवसेना सांसद संजय राउत मिले थे। ये तस्वीर भी पूरे देश ने देखी थी, लेकिन क्या संजय राउत को अपने ही राज्य के 8000 मजबूर किसानों का दर्द बांटते देखा? तो वो भूखे मर रहे हैं, उनके खेती में गन्ना नहीं है, पानी नहीं है, वो फैक्ट्री चलाने के बाद वो बोलते हम फैक्ट्री चलाएंगे, लेकिन क्या है उनका, गन्ना कहाँ लगा रहे, गन्ना बिल्कुल नहीं लगा रहे। राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन में खुद को किसानों का मसीहा बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्रैक्टर चलाया, सरकार के खिलाफ हल्ला मचाया, लेकिन क्या राकेश टिकैत को इन 8000 किसानों के लिए आवाज बुलंद करते देखा? बिल्कुल शुगर फैक्ट्री चलाने की मंशा नहीं है उनकी, खाली खुद का कैसा करोड़ों रुपए मिलाना वही देख रहे। ये देश के वो 8000 गन्ना किसान थे जिन्हें करीब 4 दशक पहले एक फैक्ट्री का मालिक बनाया गया, जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई इस फैक्ट्री में लगा दी, खून पसीने से इस फैक्ट्री को सींचा और फैक्ट्री को चलाने में सफल भी हो गए। लेकिन उन्हीं 8000 किसानों को नेताओं ने मोटा फायदा पाने के लिए सड़क पर ला दिया और इस लूट खसोट के बाद कई किसानों ने खुदकुशी का खौफनाक रास्ता चुन लिया। 25,000 करोड़ का घपला भ्रष्टाचार, 25,000 करोड़ का भ्रष्टाचार, ये राजनीतिक लोगों का बाहर आ जाएगा। इसलिए आज हम इन 8000 किसानों की आवाज बनेंगे, इन किसानों को ठगने वाले सफेद पोश नेताओं पर बड़ा खुलासा करेंगे, आपको दिखाएंगे इन नेताओं का महाभ्रष्टाचार, ताकि आपको भी किसानों के नाम पर सियासत करने वाले नेताओं की कथनी और करनी में अंतर पता चले। गौरव श्रीवास्तव, जालना, महाराष्ट्र, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो आज ये विशेष कार्यक्रम जो हम लगातार आपके लिए लेकर आ रहे हैं दिखाने के लिए कि किस तरीके से किसान सिर्फ मुद्दा भर रह जाते हैं, चुनावी मुद्दा कभी और कभी ये मुद्दा कि कैसे उनका इस्तेमाल करके आंदोलन किया जाए। मैं कहीं पर भी ये नहीं कह रहा हूं कि ये दोनों जुड़ी हुई बातें हैं, और जो दिल्ली में किसानों ने आंदोलन किया वो आंदोलन की महत्वता इससे कम हो जाती है, लेकिन किसानों की समस्याएं जैसे चली आ रही हैं उस पे लगता है कि बहुत सिलेक्टिव अप्रोच रहती है। 8000 किसानों का पूरा मामला है, 10 बड़े खुलासे सबसे पहले इस वक्त मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो हमारे इस पूरे कार्यक्रम में हमने आपको अभी तक दिखाए हैं, जो हमने अभी आपको पूरी स्टोरी दिखाई है, जलाना शुगर फैक्ट्री की जो जमीन है उसे हड़पने की पूरी साजिश का खुलासा टाइम्स ऑन अब भारत पर आपने देखा है। अजीत पवार के दबाव में फैक्ट्री के बोर्ड में बदलाव किया जाता है, ऐसा किसानों का आरोप है, ऐसा उनका दावा है। साथ ही साथ फैक्ट्री को जानबूझकर घाटे में पहुंचाने का भी आरोप लगाया जा रहा है, जिससे कि किसान जो हैं उनकी जमीन जो है वो इस तरीके से हथिया ली जाए। चौथा जो बड़ा खुलासा आप इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जो प्रॉक्सी कंपनियों के जरिए शुगर फैक्ट्री किस तरीके से खरीदी गई, ये इसमें एक बड़ी बात निकल के आई है। शिवसेना नेता अर्जुन खोतकर पर भी आरोप लगाया जा रहा है, महागाड़ी सरकार जो है उसमें ये एनसीपी और शिवसेना साथ साथ है। छठा बड़ा खुलासा, सैकड़ों करोड़ों की फैक्ट्री सिर्फ 27.58 करोड़ रुपए में बेच दी गई, ये एक बड़ा खुलासा है। साथ ही साथ सैकड़ों करोड़ों की जमीन पर अब नेताओं का कब्जा है, जमीन को नेताओं ने हड़प लिया है, ऐसा आरोप किसान लगातार लगा रहे हैं। नेता सरकार की मिली भगत से हाईवे का वहां पर प्लान बनाया जा रहा है, जमीन की कीमतें और बढ़ जाएंगी, उनका प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। नौवा बड़ा खुलासा जो है वो जमीनों से करोड़ों का मुआवजा मिलेगा इन नेताओं को जिन्होंने जमीन को हड़प लिया है, ऐसा किसान आरोप लगा रहे हैं। और दसवां बड़ा खुलासा है कि किसान अपनी ही जमीन से
बाहर हो गए हैं, बेदखल हो गए हैं। ये एक बड़ा खुलासा जो 10 बड़ी बातें हमने इस वक्त आपके सामने रखी हैं। अब हमारे जो टाइम्स ऑन भारत के खुलासे का जो असर हुआ है उसमें समाज सेवी अन्ना हजारे ने टाइम्स ऑन भारत के ऑपरेशन आंदोलन जीवी के खुलासे के बाद गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ये चिट्ठी भेजी है। अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र के जराना सरकारी शुगर मिल के अलावा 39 शुगर फैक्ट्रियों को सस्ते दामों पर बेचने और उससे 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है और इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की है। अन्ना हजारे ने अपनी चिट्ठी में आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र में के 25,000 करोड़ के घोटाले में कई नेताओं के शामिल होने का आरोप है, ऐसा अन्ना हजारे कह रहे हैं और उन्होंने पूरे खुलासे के बाद ये चिट्ठी गृह मंत्री को भेजी है और साथ साथ इसकी एक प्रति एक कॉपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भेजी गई है। चलिए सबसे पहले आपको एक बार फिर से याद दिलाते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। उन किसानों का दर्द आपको दिखाते हैं जो जलाना की शुगर फैक्ट्री के लिए अपनी जिंदगी भर की कमाई, अपनी जमीन जिन्होंने दी थी, आज वो किसान कैसे टुकड़ों टुकड़ों के लिए मोहताज है। ये हजारों लोगों के योगदान से ये कारखाना खड़ा रहा। इसमें तो हजारों चोर है हमारे महाराष्ट्र में। कामगारों को दिए नहीं पैसे, काश्तकारों को दिए नहीं, शेयर होल्डर को। शरद पवार और अजीत पवार, इनका सब एक खेल है। एक नहीं कई उंगलियां उठ रही हैं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की। किसी ने कहा कि एनसीपी के बड़े नेता अजीत पवार ने उनका सब कुछ लूट लिया, तो किसी ने कहा कि शिवसेना ने एनसीपी के साथ मिलकर उनकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। शुगर फैक्ट्री का भ्रष्टाचार है, ये पूरा प्लानिंग करके किया है। प्लानिंग अली बाबा बोले तो भी चलता है, क्योंकि वो तो 40 चोर थे, लेकिन इसमें तो हजारों चोर है हमारे महाराष्ट्र में, सहकार लुटने वाले। उस पे उसके ये शरद जी पवार और उनके भतीजे अजीत दादा इसके मास्टरमाइंड है। आखिर कौन है ये लोग, क्यों इनकी पीड़ा में एनसीपी और शिवसेना खलनायक जैसी दिखी, तो ये विस्फोटक खुलासा करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ चलिए महाराष्ट्र के उस जिले में जहां हमें एक नहीं कई किसानों ने मिलकर सुनाया उनके साथ हुए सियासी छल का चौंकाने वाला किस्सा। मुंबई से 400 किलोमीटर दूर यह है महाराष्ट्र का जालना जिला। और यह है इस जालना जिले की वो सहकार शुगर फैक्ट्री जिसमें हुए महाघोटाले का सच जानने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता गौरव श्रीवास्तव 5 दिन पहले ही जालना पहुंच चुके थे। इसी सिलसिले में पड़ताल करते हुए जालना में सबसे पहले संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की नजर सड़क किनारे चल रहे इस कोल्हू के बैल पर पड़ी। 21वीं सदी की एक हैरान करने वाली तस्वीर, जहां टेंट के नीचे ये कोल्हू का बैल चल रहा था और सफेद शर्ट पहने ये व्यक्ति इस कोल्हू से गन्ने का रस निकालने के काम में जुटा था। संवाददाता गौरव को छानबीन में पता चला कि ये उन 8,000 किसानों में शामिल थे जो कभी जालना की शुगर फैक्ट्री के मालिकों में से एक थे। तब 15 एकड़ खेत में उगाए गन्ने को फैक्ट्री में बेचते थे। उस वक्त ये फैक्ट्री के 5 शेयर खरीदकर उसके हिस्सेदार भी थे, लेकिन फैक्ट्री बंद होने के बाद आज ये इस हालत में पहुँच गए। जालना शुगर कारखाना बर्बाद क्या हुआ, उसने किसानों को भी बर्बाद करके रख दिया और आज गन्ना किसान इस हालात में हैं कि वो इस तरह से कोल्हू चलाकर
गन्ने का रस बेचकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वो किसान जो एक वक्त अपना गन्ना जालना की शुगर मिल में बेचते थे, पैसा कमाते थे, आज उनकी स्थिति ये हो गई है। 15 एकड़ गन्ना लगाते थे जब फैक्ट्री चालू थी तब, और आज सब्जी खाली कोल्हू के लिए 1 एकड़ गन्ना लगाता हूँ सब्जी में। कितना फर्क आया आपकी कमाई में, आर्थिक स्थिति कितनी बुरी हुई फैक्ट्री? बहुत बुरी बुरी हाल है सब्जी। कारखाना बंद होने की वजह से मेरा जो मुख्य पीक था वो गन्ना ही था, और गन्ना बोना ही नहीं हमारा, आसपास कारखाना है नहीं सब्जी। ये बर्बादी के दिन कब से शुरू हुए फैक्ट्री के? क्या फैक्ट्री के बर्बादी के दिन जब शुरू हो गए, हमारे जो नेता थे बाला साहेब पवार वो साहब जी गुजर गए, और ये बाकी के जो सत्तारूढ़ बाकी के लोग जो आ गए, ये शिवसेना वगैरह, ये बाकी के पक्षी जो लोग आ गए, ये इन्होंने सब कारखाना खा लिया साहब जी। जालना में क्या ये इकलौते किसान थे जो नेताओं की जालसाजी का शिकार हुए, या इनके जैसे कई और किसान भी हैं? तो ये सच जानने के लिए गौरव श्रीवास्तव यहाँ से आगे बढ़े, और आगे जाकर उनकी मुलाकात हुई टीन के छत के नीचे जैसे तैसे गुजारा करने वाले 85 साल के इस बुजुर्ग बाबू अप्पा से। जो कभी जालना शुगर फैक्ट्री का शेयर खरीद कर मालिक की तरह थे, लेकिन शुगर फैक्ट्री बंद होने के बाद कर्ज के जाल में ऐसे फंसे कि बर्बाद हो गए, और बुढ़ापे का इकलौता सहारा जवान बेटे ने खुदकुशी कर ली। जालना शुगर मिल के बर्बाद होने के साथ साथ कई ऐसी कहानियां हैं जहां पर परिवार बर्बाद हो गए, कर्जे में डूब गए, कईयों के परिवार में लोगों ने आत्महत्या कर ली, और आज वो लोग इस तरह के हालात में रहने को तैयार हैं। इस वक्त हम जालना में ही हैं, और ये जिस टीन के मकान में हैं, दरअसल ये वो पिता हैं जो इस वक्त अकेले हैं उम्र के इस पड़ाव में, और इनके बेटे ने 2015 में आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो उसी जालना की फैक्ट्री मिल में काम करता था, वहाँ पर काम धाम बंद हुआ, तनख्वाह मिलना बंद हुई, कर्जा चढ़ गया, और उसके बाद उनके पिता ने 2 एकड़ की अपनी जमीन को भी बेच दिया ताकि वो कर्जे से मुक्ति पा सके। आपकी जिंदगी का सहारा था आपका बेटा? हाँ, चला गया वो कर्जे की वजह से। मंगा से शेती का माल काट दी, मग माल कोण काढत, मग महिन्याचे बेच झाली, काय करू, लोकांचं कर्ज झालं। ये दर्द क्या है, ये तड़प कैसी है, क्यों इन किसानों की बेबसी और लाचारी के पीछे गंभीर आरोप यहाँ के रसूखदार नेताओं पर लग रहे हैं, ये समझने से पहले आपको जालना शुगर फैक्ट्री का स्वर्णिम इतिहास जानना होगा। गौरव श्रीवास्तव, जालना, महाराष्ट्र, टाइम्स नाउ, नव भारत। किसानों का दुख देखा आपने, अभी ऐसी और दुख भरी दास्तान है काफी सारे लोगों की हमारे पास, जिनसे हमने बात करी उनकी गवाही है, उनके हालातों का पूरा एक ब्यौरा है, कई दस्तावेज हैं, परत दर परत किस तरीके से किसानों को लूटा गया, इस पर अभी बहुत कुछ और भी है। सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से पूरा ये जाल रचा गया किसानों को उनकी ही शुगर मिल से बेदखल करने के लिए। इनसे मिलिए, ये है माणिक राव जाधव। जालना शुगर फैक्ट्री में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय में इन्होंने ही शिकायत दी थी। टाइम्स नाउ नव भारत के संवाददाता गौरव श्रीवास्तव को जब इनके बारे में पता चला तो माणिक राव के घर जाकर उनसे बात की। माणिक राव जाधव ने जालना शुगर फैक्ट्री में जालसाजी का गंभीर आरोप महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार पर लगाया। 98 में जो वो फैक्ट्री का जो इलेक्शन शुरू हुआ, तो वो इलेक्शन में अजीत पवार और शरद पवार ने मिलकर एक अपना खुद का पैनल खड़ा किया। प्रवर्तन निदेशालय को की गई शिकायत के मुताबिक भी अजीत पवार का इसमें बड़ा रोल था। फैक्ट्री में उनका हस्तक्षेप 1997-1998 में शुरू हुआ।
इसके बाद अजीत पवार ने अपने रसूख के दम पर जालना फैक्ट्री में नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन करा दिया। फैक्ट्री में अजीत पवार के लोग कांग्रेस नेता अरविंद बाजीराव चौहान और अर्जुन खोदकर की एंट्री हो गई। अरविंद बाजीराव चौहान फैक्ट्री के चेयरमैन बनाए गए और शिवसेना के तब के विधायक अर्जुन खोदकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हुए। आरोप है कि इसी के बाद से फैक्ट्री के बुरे दिन चालू हो गए। जो राजकीय परिस्थिति निर्माण हुई उसके बाद बाला साहब पवार खड़े रहे आमदार बोल के, उन्होंने गिर गए। गिर जाने के बाद वहाँ पे सेना का ये आ गया और सेना बोल के दोनों जो सेना के और राष्ट्र ये कांग्रेस का एक आदमी था उसमें, वो दोनों ने मिलकर ये कारखाने को खत्म कर दिया। फैक्ट्री घाटे में आई, अनियमितता के आरोप लगे और फैक्ट्री को घाटे से उबारने के लिए महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से और लोन मांगा गया और यहीं से फैक्ट्री पर बैंक का शिकंजा कसना भी शुरू हो गया। फैक्ट्री पर इस दौरान कई बार कर्ज चढ़ा और आरोप तो यहां तक लगे कि महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पर भी पवार फैमिली का दबदबा था। लेकिन सवाल तो कोऑपरेटिव बैंक पे भी उठता है कि उसने इतनी महंगी संपत्ति वाले कारखाने को कम दाम में बेच दिया लोगों को और डायरेक्ट और शेयर होल्डर्स को बताया भी नहीं। वो 8,500 किसान जिन्होंने 2,000 रुपए का कर्ज 1985 में लिया था, उनको तो कुछ बताया नहीं। नहीं बताया, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक के पीछे दिमाग किसका चल रहा था? इसके पीछे राष्ट्रवादी के सर्वे सर्वा शरद पवार और अजीत पवार, इनका सब एक खेल। कहा जा रहा है कि जालना फैक्ट्री को कब्जे में लेने के लिए नेताओं ने बैंक के साथ मिलकर नीलामी की योजना बनाई और इसके लिए बाकायदा प्रॉक्सी कंपनी के जरिए पूरा खेल खेला गया। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने 9 नवंबर 2011 को फैक्ट्री की मार्केट वैल्यू के हिसाब से बोली 42,18,00,000 रुपए फिक्स की। साल 2012 में 27 फरवरी को जालना शुगर फैक्ट्री को नीलाम करने के लिए टेंडर निकाला गया। नीलामी की प्रक्रिया में तपाड़िया कंस्ट्रक्शंस औरंगाबाद, मेसर्स अजीत सीट्स लिमिटेड औरंगाबाद और मौली बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड जालना शामिल हुई। अंत में 42 करोड़ में ये बोली तपाड़िया कंस्ट्रक्शंस ने जीत ली। लेकिन मजे की बात यह है कि दस्तावेजों के मुताबिक 2 साल बाद ही तपाड़िया कंस्ट्रक्शंस ने जालना शुगर फैक्ट्री को अर्जुन शुगर प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया, वो भी 15 करोड़ के घाटे पर। पैसा आया था पद्माकर मुड़े की तरफ से और जो ईडी ने जो थोड़ा कुछ इन्वेस्टिगेशन किया है उसके अंदर ये साबित हो गया है, पैसा पद्माकर मुड़े ने दिया था और ये फैक्ट्री जिसको बेची थी, हालांकि उनके पास पैसा नहीं था। यहीं से सवाल उठता है कि आखिर तपाड़िया कंस्ट्रक्शंस ने अर्जुन शुगर प्राइवेट लिमिटेड के साथ घाटे का सौदा क्यों किया? तो पर्दे के पीछे का जो खेल था वो इस तरह से था कि अर्जुन शुगर प्राइवेट लिमिटेड जालना फैक्ट्री के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल अर्जुन खोदकर के भाई संजय खोदकर की नई कंपनी थी, जो कि 8 मई 2012 में ही जालना शुगर फैक्ट्री को खरीदने के इरादे से खड़ी की गई थी। और अर्जुन शुगर प्राइवेट लिमिटेड में अर्जुन खोदकर पद्माकर मुले के साथ प्रमोटर था और हैरानी की बात ये भी है कि अजीत सीट्स में भी डायरेक्टर के तौर पर नाम इन्हीं दोनों का शामिल है। इसकी कीमत कम से कम 1,000 करोड़ रुपया थी, तो वो फैक्ट्री 45 करोड़ में तपड़िया को बेच दी और वो पैसा भी तपड़िया कंस्ट्रक्शन से नहीं आया। तो मतलब ये निकला कि अर्जुन शुगर इंडस्ट्रीज अजीत सीट्स की ही प्रॉक्सी कंपनी थी और अर्जुन शुगर के जरिए खोदकर और मुले ने पैसा तपाड़िया कंस्ट्रक्शंस को दिया और तपाड़िया कंस्ट्रक्शंस ने उसी पैसे से जालना की शुगर फैक्ट्री को नीलामी में खरीद लिया और फिर फैक्ट्री को अर्जुन शुगर प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया, यानी खोदकर और मुले फैक्ट्री के मालिक बन बैठे। अब हम आपको लेकर चलते हैं औरंगाबाद। यहाँ हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव को ये भी पता चला कि अजीत सीट्स प्राइवेट लिमिटेड, तपाड़िया कंस्ट्रक्शंस और अर्जुन शुगर प्राइवेट लिमिटेड का एड्रेस भी एक ही था और इस बिल्डिंग में अर्जुन शुगर प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर का भले ही कोई बोर्ड न हो लेकिन उसका हर एक कुरियर इसी पते पर आता था। इस वक्त हम ये तापड़िया टेरेस के बाहर मौजूद हैं और अगर आप देखें तो ये ऑफिसेज के जो एड्रेस हैं वो यहाँ पर मेंशन है। अगर आप देखें तो यहाँ पर तापड़िया टेरेस है और इसके बाद लाइन से अगर आप देखें हैं तो तापड़िया कंस्ट्रक्शन कंपनी का भी जो एड्रेस इसी एड्रेस पे दिया हुआ है। इसके अलावा जिस दूसरी कंपनी का नाम आया है अजीत सीट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि पद्माकर मुले से जुड़ी हुई है, उसका भी एड्रेस यहीं पर है। और तीसरा अर्जुन शुगर प्राइवेट लिमिटेड, जिसने आखिरी बार
जालना की रामनगर की सहकारी शुगर मिल को खरीदा, उसके बारे में जब हमने यहाँ के एक एम्प्लॉय से पता किया तो उन्होंने हमारे खुफिया कैमरे पर यह बताया कि जो अर्जुन शुगर प्राइवेट लिमिटेड के कोरियर हैं वो इसी अजीत स्ट्रीट्स प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर से जाते हैं, और यही आरोप है कि प्रॉक्सी कंपनी बनाकर एक ही जैसे लोगों ने बिडिंग दी नीलामी के लिए। इस भ्रष्टाचार के पीछे अजीत पवार को मास्टरमाइंड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पद्माकर मूले औरंगाबाद में एनसीपी का नेता है, उसे एनसीपी का फंड रेजर बताया जा रहा है, अजीत पवार का खास आदमी है। हालांकि जब हमारी टीम ने पद्माकर मूले से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो इसमें सफलता नहीं मिली। ईडी में भी जो कंप्लेंट गई थी अक्टूबर में तो उसमें उनका नाम था कई जगहों पर शिकायत में, तो हम स्टोरी कर रहे हैं तो क्योंकि हम स्टोरी ऑन एयर करेंगे तो मैंने लिखा है कि एज ए रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म हम रिएक्शन लेते हैं सबका जिसका नाम होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर। सवाल यही है कि जो शुगर मिल की लूट हुई इसमें जिन जिन लोगों को आरोप है उनकी जांच किस तरह से ईडी आगे बढ़ाती है। हालांकि इस मामले में तमाम आरोप के बाद जो है ईडी ने पिछले साल नवंबर में छापा भी डाला था, हालांकि उसमें बहुत बड़ी सफलता ईडी को नहीं मिली थी। वीडियो जर्नलिस्ट हरेंद्र चौधरी के साथ मैं गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, औरंगाबाद। अब समाज सेवी अन्ना हजारे ने हमारे खुलासे के बाद इस पूरे मामले को गृह मंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचाया। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है और इस पर एक रिटायर्ड जज के, हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज के पूरी जांच की एक कमिटी बनाने की मांग की है। उनसे कुछ देर पहले हमने बात भी की, आपको सुनवाते हैं। ना कुछ हुए वो सब कंट्री अपने मर्जी से जी अपने मर्जी से जी, तो इसके लिए वो आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है जी। मैं लोक जागृति हो जी जी। देखिए जो ये जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक था इसमें कहा जाता है कि शरद पवार और अजीत पवार का खास करके इन लोगों का बड़ा इसमें एक प्रभाव था और उस प्रभाव का फायदा उठाकर इन फैक्ट्री मिलों को बर्बाद किया गया। क्या ऐसी बात जो किसान तमाम आरोप लगाते हैं आप इन बातों से सहमत है कि इन लोगों का एक बड़ा रोल रहा है सहकारी चीनों मिलों को बर्बाद करने में? नहीं, ये सभी राजनीति के जो लोग हैं ना जी, अभी जैसे महाराष्ट्र में शुगर फैक्ट्रियां जो लूटी है इसमें सभी राजनीति के अलग अलग पक्ष और पार्टी के लोग शामिल हैं जी, और सबने मिलकर प्लानिंग करके, क्योंकि जैसे कोऑपरेटिव बैंक है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ये सब राजनीति के हाथ में जी। दूसरा शुगर फैक्ट्री उसका चेयरमैन उनके सब सहकारी वो भी राजनीति के लोग हैं जी। ऐसे सब ये अलग अलग स्तर पर राजनीति के लोगों ने संगठन बनाकर जी प्लानिंग करके ये लूटा है जी। दूसरा ये कि अभी जब हम लोगों ने स्टोरी दिखाई और आपकी एक बाइट भी दिखाई जिसमें आपने बोला कि 49 फैक्ट्री मिलों का पूरा ये मुद्दा महाराष्ट्र में है, तो उसमें तमाम जो नेता हैं जो कि इस वक्त सत्ता पक्ष में, उन्होंने कहा कि अन्ना हजारे उस वक्त कहाँ गायब हो जाते हैं जब केंद्र में बहुत भ्रष्टाचार, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि आप केंद्र सरकार के कहने पर इन तरह के मुद्दों को उठाते हैं जबकि आप लंबे समय से किसानों के मुद्दों को उठाते आए। इस तरह के आरोपों को लेकर आप क्या कहेंगे कि जो आप पर आरोप उठा रहे हैं, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं? अरे ये तो आरोप लगाते रहेंगे, ये मेरे जीवन में मेरा बैंक अकाउंट कहाँ रहता है पता नहीं जी, इनके कहने से क्या फर्क है जी, ये तो कहते रहेंगे जी जी, लेकिन मैं अपने जीवन में इतना। तो आपने देखा किस तरीके से इस बड़े खुलासे के बाद अब महाराष्ट्र में कम से कम हलचल जरूर हो रही है, ईडी इस पर जांच कर रही है और अन्ना हजारे ने इसको प्रधानमंत्री के दफ्तर तक भी पहुंचा दिया है। छोटा सा ब्रेक लेना है इस वक्त, खबरों का सिलसिला टाइम्स ऑन भारत पर जारी है, बंद रहिए हमारे साथ।